26 जनवरी 2024 यानी हमारा गणतंत्र दिवस, उसके उपलक्ष्य में एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप कंप्लीट देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि जो 75वां नंबर का गणतंत्र दिवस बनाया गया है, उसकी झांकी में जो बेस्ट झांकी थी वो किस राज्य की थी? तो वो राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश, जिसमें थोड़े दिन पहले राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। बात करें पूरी झांकी की तो टोटल 25 झांकियां निकाली गई थी, जिसमें 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे और 9 मंत्रालय भी इसमें शामिल थे। 2024 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ये क्वेश्चन भी आप 26 जनवरी में ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि 25 जनवरी शाम को अनाउंस किया जाता है कि 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। अब 132 में से बात करूं तो 5 तो दिए जाएंगे पद्म विभूषण, 17 दिए जाएंगे पद्म भूषण और 110 दिए जाएंगे पद्मश्री। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, यानी कौन से नंबर का एनिवर्सरी बनाई गई है इस बार गणतंत्र दिवस की? तो वो है दोस्तों 75वें नंबर की। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, यानी चीफ गेस्ट कौन थे 26 जनवरी के? तो वो थे दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। अब फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे तो इंपोर्टेंट बन जाता है फ्रांस देश। वैसे तो दोस्तों 200 देश हैं, सभी को याद नहीं रख सकते। फ्रांस की बात करें तो आपको बता दूं फ्रांस यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। इसकी राजधानी क्या है? पेरिस है। और यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है? तो यूरो करेंसी चलती है। गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका। इंग्लिश में बात करें तो डेवलप्ड इंडिया एंड इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, इसका मनाने का कारण क्या है? तो इसका मेन रीजन है क्योंकि इसी दिन हमारे भारत में संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन था, यानी जो इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी उसमें सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी कौन था जिसने भाग लिया था? तो वो थे हमारे दूसरे नंबर के सीडीएस, जिसको बोलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। दूसरे नंबर के सीडीएस कौन है? अनिल चौहान जी हैं। अगर पहले की बात करें तो वो थे बिपिन रावत जी, जिनकी 2022 में हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 21 तोपों की सलामी का क्या महत्व होता है 26 जनवरी को? तो आपको बता दूं इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है कि यह एक परंपरा है जिसके तहत किसी राष्ट्र प्रमुख को सम्मानित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गणतंत्र दिवस की परेड 2024 में कहां पर हुई थी? तो इसकी परेड हुई थी राजपथ पर नहीं, उसका नया नाम है कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ की बात करें तो हर बार 26 जनवरी को यहाँ पे परेड होती है। इसका पुराना नाम था राजपथ, जिसको 2022 में केंद्र सरकार ने बदल दिया था। गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो अगर 26 जनवरी की बात करें तो भारत की राष्ट्रपति करेंगे, जो कि फिलहाल है 15वें नंबर के कौन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जिन्होंने ध्वजारोहण किया था 26 जनवरी 2024 को। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। अगर आपसे कह दे कि 15 अगस्त को कौन करेंगे, तो वो करेंगे भारत के प्रधानमंत्री जो कि हैं नरेंद्र मोदी जी। कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। भारतीय संविधान में रिपब्लिकन सिस्टम किस देश की व्यवस्था से लिया गया है? तो ये मैंने आपके संविधान के स्रोत में जरूर कराया होगा। ये व्यवस्था हमने ली है कहाँ से? फ्रांस से। और फ्रांस के राष्ट्रपति ही आए थे इस बार मुख्य अतिथि के रूप में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी? तो
जो सबसे पहली बार हुई थी वो हुई थी 1955 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। और दोस्तों जो आज का लास्ट वीडियो होगा वो आज तक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा और एसएससी ने इसको पूछा है, तो वो जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं। तो आपको बता दूं, गणतंत्र दिवस तो एक राष्ट्रीय अवकाश जरूर है, इसके अलावा दो और हैं, तो टोटल तीन राष्ट्रीय अवकाश हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं, तो सबसे पहले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, दूसरा होगा कौन सा, 15 अगस्त जो कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, अब तीसरा है गांधी जी की जयंती जो कब मनाई जाती है, कमेंट करके बताइएगा साथियों। गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है, तो टोटल दो बार राष्ट्रगान बजाया जाता है, एक तो स्टार्टिंग के टाइम पे और जब परेड एंड होने वाली होती है एक उस टाइम बजाया जाता है। 52 सेकंड का राष्ट्रगान होता है आप सभी जानते हैं, तो टोटल दो बार बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो भारतीय संविधान को बनने में टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा था भारतीय संविधान को बनने में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जो पहला नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था, तो वो मनाया था 26 जनवरी 1950 को जब भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 है पहले गणतंत्र दिवस से ही संबंधित कि जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था उस समय मुख्य अतिथि कौन थे, तो वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकुर्नो। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था साथियों वो क्वेश्चन यही है कि किस अवधि के दौरान भारतीय इतिहास में राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड नहीं हुई। तो आपको बताना है कौन सी साल में नहीं हुई थी, तो वो है दोस्तों 1950 से लेकर 1954 के दौरान कोई भी परेड नहीं हुई थी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है दोस्तों।